तो वहीं बिहार से विधायक नीरज सिंह बबलू ने शरद यादव पर जमकर निशाना साधा, क्या कुछ कहा ये सुनिए। आपकी तरफ से सामग्री पहुंचाई जा रही है जनता के? देखिए, बाढ़ तो थोड़ा सा भयानक ही है और हमको लगता है कि आधे बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है। सरकार की तरफ से पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, सामग्री भी मिल रहा है, राहत का काम भी हो रहा है, NDRF की टीम उतर गई है, कुछ कैजुअलिटी हुई है, 100 से ऊपर लोग मरे भी हैं, लेकिन सरकार लगी हुई है और मुझे लगता है कि हम लोग भी अपने दम पर जो बन पा रहा है कर रहे हैं। 2008 में भीषण बाढ़ आया था जिसमें हम लोगों ने जान का बाजी लगा करके काम किया था, लोगों को बचाने का राहत देने का। और इस बार हमारे एक्चुअली विधानसभा में थोड़ा कम है, लेकिन और जगह पूर्णिया कटिहार उधर काफ़ी बाढ़ है, अररिया किशनगंज में बाढ़ है, सुपौल के कुछ भाग में बाढ़ है, तो सब लोग लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है, राहत का काम भी चल रहा है।